ये सफाई भी कर दी है, इनके मामा को छोड़ दिया इनके पास। ये हमने कुछ अंडे रखे थे इंक्यूबेटर में और कुछ रखे थे मुर्गियों के नीचे, तो अब माशाल्लाह से बच्चे निकल आए हैं। और कुछ अंडे मैंने इंक्यूबेटर में रखे थे, उनके 10 चूजे निकले थे, 9 बचे हुए, वो बिन माँ बाप के बच्चों को भी इस मुर्गी के साथ छोड़ेंगे। देखते हैं लगाते हैं आज इसके अंदर लाइट सुसेक्स है, आफ्टोलाफ है, तो मुर्गी को कुछ देर के लिए उधर छोड़ेंगे, इसको जगह को थोड़ा सफाई करेंगे। चूजों को काउंट करते हैं, दो, ये 18 बच्चे निकले हैं माशाल्लाह से। ये 3 बच्चे निकले हैं माशाल्लाह से, और ये 2 एग अभी भी स्टील पड़े हुए हैं, और ये मैंने देखा था चल रहे हैं। इनको रखते हैं दूसरी मुर्गी के नीचे, इनकी पहले फ्लशिंग करते हैं, गुड़ वाला पानी पिलाएंगे, और फिर इनको अपने चूजों के साथ मिक्स करते हैं। ये पिंजरे की सफाई कर दी हमने, और अब इन बच्चों की करेंगे फ्लशिंग, फिर ज्यादा छोड़ते हैं। ये कुछ लीक लग रहा है, ये लाइट सोसर्स के बच्चे हैं, उनकी फ्लशिंग इसलिए करते हैं जो इनके पेट में जो थोड़ा बहुत गंध है उनको वो निकल जाए। पहले इसको एक आध दिन भूखा ही रखे, इनको कुछ नहीं दिया जब ये निकले, इनके अंदर इतनी सफिशियंट खुराक होती है कि 2 दिन तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। वो इनकी मामा इनकी बेचारी परेशान हो रही है कि मेरे बच्चों के साथ में क्या कर रही है। Ha ha ha!
जरा आप किधर चल रहे हो भाई? चलिए, और ये हैं हमारे बिन माँ बाप के बच्चे, तो इन बिन माँ बाप के बच्चों को माँ प्रोवाइड करते हैं। चलो 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 की मामा को लाते सोचते हैं उनके पास। ये सफाई भी कर दी है इनके मामा को, छोड़ दिया इनके पास बच्चों को। ये थोड़ा डाउन डाउन लग रहा है, अल्लाह खैर करे। तो चलो थोड़ी देर बाद देखेंगे इनकी प्रोग्रेस इंशाल्लाह कि क्या करती है। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।